तो चलिए दोस्त, आज हम फाइनली रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में जिस प्रकार से बम धमाके हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था, और इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। क्या हमारे विदेश मंत्री वहाँ जाने वाले हैं इसके कारण वहाँ बम धमाका हुआ, या कोई और कारण है। इन सभी मुद्दों के साथ आप सभी के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो फाइनली चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर फर्स्ट मुद्दे की बात करें हम, तो पाकिस्तान में जो बम धमाका हो रहा है उसके पीछे ना ही हमारे विदेश मंत्री जो वहाँ जाने वाले हैं उनसे उनका कोई रिलेटेड है, बल्कि वहाँ जो एक जो देश का मांग हो रहा है बलूचिस्तान, उसी का जो एक आर्मी तैयार किया हुआ है बलूचिस्तान के लोगों ने। और जिस प्रकार से चाइनीज लोग वहाँ एक रोड बनाकर उनके ऊपर शासन करना चाह रहा है, वहाँ के खनिजों को यूज करना चाह रहा है, वही चलते उसके विरोध में जो है बलूचिस्तान के लोग चाइनीज लोग को टारगेट कर रहा है, ना कि दूसरे लोगों को टारगेट कर रहा है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है यह काफ़ी उग्र इसलिए हो रहा है कि जो चाइना और रसिया और भारत जैसे बड़े देश पाकिस्तान में जाने वाले हैं और वहाँ की स्थिति को देखने वाले हैं। वहाँ एक मीटिंग है जो कि 10 देशों के समूह का है, और इस वही मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं। जाना तो चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन भारत के विदेश मंत्री इसलिए जा रहे हैं कि जो वहाँ स्थिति है वह भारत से मिलता जुलता नहीं है, और जिस प्रकार से भारत के बारे में वहाँ विरोध बातें किया जाता है उसी के चलते लगता है प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके प्रधानमंत्री के बात को रखने के लिए भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं, और इसीलिए इमरान खान, आपको पता ही होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, जिनको पाकिस्तान के जो सरकार है शहबाज शरीफ, उन्होंने 400 से अधिक दिनों से जेल में डाल दिया है, और उसके पत्नी को भी जेल में लगभग 200 दिन से डाल रखा है। और यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब स्थिति है, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग अपने आप को लोकतंत्र तो कहलाते हैं लेकिन वह उनका पालन नहीं करते हैं। इनका अगर मेन कारण आप सभी को बताएं तो वहाँ कोई भी व्यक्ति जो जीत के आता है राजनीतिक में, वह 5 साल तक लगातार वहाँ शासन नहीं चला पाता है। इसका मेन कारण है कि वहाँ जो कंट्रोल है वह सेना के हाथ में है, और सेना जिसे चाहता है उसको कंट्रोल वह दे देता है, उसका सत्ता छीन जाता है। और इसीलिए वहाँ जो सैनिक है, सैनिक के हाथ में कंट्रोल होने के कारण और सेना जो है वह चीन के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। और चाइनीज लोग जिस प्रकार से, चाइना की जो सरकार है वह जिस प्रकार से रोड बना रहा है, और वही रोड के विरोध के लिए जो बलूचिस्तान के लोग हैं वह चाइनीज लोग को टारगेट कर रहे हैं। और जो आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले आप यहाँ पर वीडियो देखिए। तो दोस्त, फाइनली आपको जो वीडियो दिखाएं इसमें देख रहे हैं कि कैसे एक बीच वाले कार को उड़ा दिया जाता है। वह चाइनीज का कार होता है, उसके आगे पीछे भी फोर्स चल रहा था, लेकिन उस चाइनीज के कार को टारगेट किया जाता है और उसे उड़ा दिया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि चाइनीज लोग को मना किया जाता है कि आप इसमें मत पड़िए, और जो बलूचिस्तान के जो एरिया है उसमें जो खनिज है उसका यूज करने के लिए चाइना जो रोड बना रहा है उसका विरोध बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज लोग मान नहीं रहा। इसीलिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के एरिया है वे वहाँ के लोग चाइनीज लोग को टारगेट करके मार रहे हैं। आपको पहले भी सुने होंगे कि चाइनीज लोग को बहुत को खदेड़ा गया, मारा गया, और ये मैटर बहुत ही आगे अग्रसर हो रहा है और बलूचिस्तान का मांग हुआ अक्सर कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका एक पॉइंट की बात करें मेरे दोस्त, तो जिस प्रकार से अगर इमरान खान की पार्टी था उसका जो लोगो भी छीन लिया गया था, उसकी पार्टी को भी खत्म कर दिया गया, और इसी के विरोध में वहाँ के जो लोग हैं वह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और भारत जो कि सबसे बड़े लोकतंत्र का एक देश है, और यहाँ के जो एस जयशंकर हैं यहाँ के विदेश मंत्री, वह जाने वाले हैं पाकिस्तान में, इसीलिए जो वहाँ इमरान खान की पार्टी के लोग हैं वो भी बुला रहे हैं कि हमारे जो नेता है उनको आप संबोधित कीजिए और बताइए कि हम इतने बड़े लोकतंत्र को कैसे संभाल रहे हैं, और पाकिस्तान में भी इसका पालन होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग का मेन उद्देश्य है कि उनके जो इमरान खान जेल में है वह बाहर है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जो कि बहुत ही समझदार और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने जाने से पहले यह साबित कर दिया कि हम किसी भी बात के विवाद में नहीं पड़ने वाले हैं, और सिंपली जो
जो मीटिंग है वह मीटिंग अटेंड करके हम भारत वापस आ जाएंगे, यह उन्होंने पहले ही बता दिया है। लेकिन पाकिस्तान में इसका जोरों से विद्रोह हो रहा है, इसलिए कि बहुत बड़े बड़े देश वहाँ जाने वाले हैं और लग रहा है कि जो भी जिनपिंग है वो भी जाने वाले हैं और रसिया के जो वहाँ की सरकार है वे पुतिन भी वहाँ जाने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री ना जाकर यहाँ के विदेश मंत्री जा रहे हैं और इसी के चलते वहाँ बहुत ही ज़्यादा बम धमाके भी आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से कराची के एयरपोर्ट पे बम धमाका हुआ आप लोग फोटो में देख ही रहे होंगे, यहाँ पे फोटो साइड में हम लगा देते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्या भारत की अगर नेता यहाँ जाएंगे तो क्या इन्हें भी टारगेट किया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ की सेना को 45 बिलियन पहले ही दे दिया गया है सुरक्षा के लिए और जिस समय यह पैसा दिया उसी समय से वहाँ और ज़्यादा खलबली मचाने लगा और विद्रोहियों बहुत ही ज़्यादा उग्रसर होने लगा। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ के सेना के लिए कि वहाँ की जो भीड़ है उसको काबू में किया जाए, ना कि बड़े बड़े देशों के सामने अपने आप को बेइज्जती करवाए, इसलिए कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत हो चुका है, उसे और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए वह सेना को पैसा दिया और बोला कि इस मैटर को कंट्रोल किया जाए और इसे ज़्यादा उत्सर नहीं किया जाए ना। और पाकिस्तान में जो बम धमाके हुए हैं वही इन्हीं सभी विवादों के कारण हुए हैं, ना कि भारत के जब विदेश मंत्री जाने वाले हैं उनके कारण हुआ है। इसके पीछे का क्या कारण है अगर आगे की कोई भी खबर आता है तो आप सभी के साथ हम जरूर साझा करेंगे। और आज के लिए जो मेन कारण था वह यही था और ये वीडियो इसलिए बनाया कि आप सभी को बताएं कि पाकिस्तान में जो विवाद हो रहा है वह इसलिए कि बहुत सारे लोग भारत के सोचते होंगे कि जो भारत के लोग वहाँ जा रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री, क्या इनको टारगेट किया जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और आगे कुछ भी होता है तो आप सभी के साथ हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।